वेलकम टू श्रेष्ठ किचन। आज हम बनाएंगे चिकन पकौड़ा करी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 8 से 10 पीस चिकन, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/4 नींबू उसका रस हम इसमें यूज़ करेंगे। इन चारों चीज़ों को हम चिकन के ऊपर डाल देंगे और ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन रहेगा चिकन के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हर एक चिकन के पीस पे ये कोट हो सके और इसे मैरिनेट करने के लिए हम साइड में रख देंगे फ्रिज में। 1/2 कप दही हम लेंगे, ये सेकेंड मैरिनेशन के लिए है। 3 बड़े चम्मच बेसन, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और जीरा पाउडर। अब लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और जीरा पाउडर को हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे दही में और इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक भी डाल देंगे। अब ये जो हमारा सेकेंड मैरिनेशन है वो भी हम इसके ऊपर चिकन के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें बेसन डाल देंगे, जो 3 बड़े चम्मच बेसन हमने लिया था उसे हम इसमें डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एक थिक सा, एक कोट सा तैयार हो जाए इसके ऊपर ये मैरिनेशन का। अब ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप छोटे छोटे बारीक कटे हुए प्याज, इस चॉपर को यूज़ किया है मैंने, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लें। 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप टमाटर और हरी मिर्च को भी बारीक चॉप किया हुआ है, उसी चॉपर में चॉप किया हुआ है। ये मसाले हैं 1 टीस्पून के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर जो कि हम लास्ट में डालेंगे। 2 छोटी चम्मच बेसन और हमें लगेगा ग्रेवी में डालने के लिए। सबसे पहले 1/2 कप ऑयल को हम गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें बारीक कटे हुए प्याज को इस तरीके से डाल करके सौटे कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो उस समय में हम चिकन को फ्राई कर लेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये चिकन पकौड़ा करी है तो ये जो बेसन का घोल है उसमें, उसकी वजह से ये पकौड़े की तरह बिल्कुल तैयार होंगे। इसे ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर ही पकाएं ताकि चिकन अच्छे से पूरी तरीके से इसमें पक जाए। रेडी टू ईट वाला चिकन पकौड़ा इसमें तैयार होना चाहिए क्योंकि हमें ग्रेवी में इसमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसे धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट लगेंगे पकने के लिए अच्छे से। अगर चिकन के पीसेस बड़े बड़े हों तो उसमें आप स्लिट्स दे दें, कट्स दे दें ताकि वो जल्दी पक सके। जब ये इस तरीके के हो जाए और पक जाए तो फिर आप इसे एक बर्तन में निकाल के उसे ढक के रख दें ताकि गर्म में और भी पकते रहें अंदर से। इसी तरीके से बाकी पीसेस को भी फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मसाले का, ग्रेवी का हमारा जो अनियन है ये गोल्डन कलर में आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालना है बारीक कटा हुआ जो टमाटर था हरी मिर्च के साथ में, उस पेस्ट को भी हम इसमें डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही हाई हीट पे चलाते हुए फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले और नमक जो हमने दिखाया था स्टार्टिंग में उसे भी इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हल्का सा पानी डाल दें ताकि मसाले जले नहीं। सारे चिकन के पीसेस को फ्राई करने के बाद में ये जो मैरिनेशन बच गया है उसमें हम 1/2 कप पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 से 2 टीस्पून बेसन और मिक्स कर देंगे जो कि हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अभी सबसे पहले इसे पकाने के लिए हम 1/2 कप पानी पहले ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करना है। इसे मिक्स कर लें, इसके बाद में 1/2 कप और पानी ऐड करेंगे और तब तक इसे कुक करें जब तक कि अनियन और टमेटो बिल्कुल सॉफ्ट और मशी ना हो जाए।
अब जब ये सॉफ्ट हो चुके हैं तब ये जो हमने मैरिनेट वाले मसाले में थोड़ा सा पानी मिक्स करके रखा था वो हम इसमें पूरा डाल देंगे। और ये देखिए बेसन की वजह से ये थिक थिक सा ग्रेवी भी तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर रखा था वो हम इसमें लास्ट में अभी डाल देंगे। और अब चिकन के सारे पीसेस को, जो सारे चिकन पकौड़ा थे, उनको इसमें डाल करके हल्के हाथों से इसे स्टर करना है। ज़्यादा विगरेसली नहीं स्टर करना है, नहीं तो उसके ऊपर का जो कोटिंग है वो निकल सकता है। इसे कवर करके 2 मिनट के लिए कुक करें। 2 मिनट कुक करने के बाद में इसे आप खोलें, हल्का सा चलाएं और ऊपर से फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ती आप डाल दें और इसे दोबारा मिक्स कर लें। और ध्यान रहे हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। और इसे सर्व करें, रोटी या राइस किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।